हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है राखी, है राखी का व्लॉग। तो आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है कुछ लोगों की राखी उतनी हैपनिंग नहीं होती है, बट मैं फिर भी विश करूँगी कि जो भाई हैं उनकी बहनें एकदम ठीक रहें और जो बहनें उनके भाई एकदम ठीक रहें, और जो थोड़ा बहुत हमारी मेरी जैसी कंडीशन से निकल रहे हैं उनको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिले। अभी हम निकलने लगे हैं, सुबह सुबह हम उठ गए थे, तैयार हो गए थे, और हमारे गिफ्ट्स भी रेडी हैं जो हमें दीपा दीदी शादी को देने हैं। अब क्योंकि जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक उन्हें गिफ्ट्स मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ हम दोनों ने लिया है दीपा दीदी शादी के लिए रिस्ट वॉच और थोड़ी सी चॉकलेट्स। और जो मुझे मम्मी के यहाँ पे जितना भी राखियाँ और राखी के साथ देने के लिए भाइयों को और चाचा को सामान देना है, वो सब मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मैंने वहीं भिजवा दिया, क्योंकि इतना सारा सामान कैरी नहीं हो पाता है। इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इतने सारे भाई और चाचाओं को भी मैं राखी बांधती हूँ। आप लोगों ने पहले के राखी के व्लॉग्स देखे होंगे तो बहुत सारा सामान हो जाता है, कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे आज के लुक के बारे में मैं साड़ी वगैरह का सोच रही थी, बट पता नहीं मेरे नी में क्या हो गया है, नचका सा आ गया है और 4-5 दिन से बहुत पेन है। मतलब वो बेंड भी नहीं हो पा रहा है राइट लेग का जो नी है, तो इसलिए मैंने कहा एक सूट सा पहन लेती हूँ, सिंपल सा। सिंपल क्या, अच्छा है, मुझे तो प्यारा ही लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो गया, मैं इतने डार्क कलर्स पहनती नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि अजीब लग रहा है क्या। ये मैंने लिबास से लिया था। ये जो इयर रिंग्स हैं ये देखिए, ये भी बहुत ही अलग हैं जैसे यूजली मैं पहनती हूँ। ये नैना बहन की कलेक्शन में से हैं, बताइएगा कैसे लग रहे हैं। बहुत लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, और मैंने बिंदी भी आज थोड़ी बड़ी लगाई है, इतनी बड़ी नहीं लगाती हूँ। और ये देखिए मैंने बैंगल्स भी पहने आज। ये बैंगल्स मम्मी ने लास्ट करवा चौथ पे दिए थे सूट के साथ, और अभी तक रखे थे क्योंकि मैं बैंगल्स पहनती तो हूँ नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज तो घर घर में रहना है, पहन सकते हैं, पहन लेती हूँ। सिंपल सा लुक है। बाकी अगर टाइम मिला तो मम्मी के यहाँ जाके रील्स वील्स बना लूँगी, इतनी सुबह तो यहाँ तो हिम्मत हो नहीं रही है। और पैकिंग वगैरह हो गई है, और मैं अभी अगर टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी, मैं मम्मी के घर लेके जा रही हूँ इतना बड़ा थैला भर के। एक तो थोड़े से सूट से जो मुझे स्टिच कराने हैं, जो सब मिले विले थे और रखे हुए थे इतने टाइम से, तो मैंने कहा चलो स्टिच करा लेते हैं, वहीं से कराती हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कोई अच्छा टेलर पता नहीं है। और साथ में ना इतने सारे डब्बे टिफिन आए हुए हैं लंच वंच के, खाने वाने के ना, कि अब मुझे लग रहा है अब दोबारा मम्मी के गई ना तो मेरे लिए डब्बा बचा नहीं होगा, तो वो सारे मैं डब्बे भर के लेके जा रही हूँ। तो अभी और डिले नहीं करते हैं क्योंकि आज राखी है और टाइम पे पहुंचना है, दोनों जगह कवर करनी है। ये शादी के बाद ना ये कवर करने वाला ही हो जाता है सीन, कि कवर करनी है। तो अभी हम फटाफट से चलते हैं, होपफुली मैं आप लोगों को वहां पहुंच के मिलती हूँ। बाय। और जब भी मैं हाई हील्स पहनती हूँ गाड़ी में बैठते, यही होता है उनका, मैं उतार के रख देती हूँ उनको साइड में। नहीं,
क्या चीज है? वॉच। अरे यार मैं हम लोग ना कपड़े उपड़े पसंद कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो सुंदर है ये दोनों कलर नहीं हमारे पास। सिल्वर तो वही है सुंदर, ये तो मेरी जैसी है ना। हाँ ऐसे मेरे पास भी है। रही थी ऐसे इसकी यूज कर रही थी मैं भी। आपकी घड़ी वहां पे भी रखी है सिल्वर वाली? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? और फिर हमें रास्ते में ये देखिए छोटे से बच्चा कैसे नाच रहा था, और थोड़े से किन्नर भी मिले पैसों के लिए, पैसे दे दिए। मैं यूजली देती नहीं हूँ, बट मुझे बुरा लग रहा था कि त्योहार वाले दिन भी इस बच्चे को इतना काम करना पड़ रहा है। और ये देखिए दाल मखनी मम्मी ने बना के रखी है, और मैंने इसमें प्याज व्याज काट के चावल डाल के कर ली है। खाना पीना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और सुबह के उठे हुए नींद आ रही है, बट फिर ये बातें बातें करने में। और मम्मी ने मुझसे बोला था क्या बना के रखूँ, मैं तो मम्मी दाल मखनी बना रहे ना, मुझे पसंद है क्योंकि मम्मी के हाथ की दाल मखनी। और मुझे नहीं पता था मम्मी ने दही भल्ले भी बना के रखे हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे दही भल्ले बस मोस्टली सिर्फ मम्मी के हाथ के खाती हूँ, वरना बाहर से मैं दही भल्ले कभी नहीं खाती हूँ। तो मम्मी अब दही भल्ले भी प्रिपेयर कर रही है, और ये बड़ी बिंदी आज मैंने लगे, बताइएगा कैसी लग रही थी, कैसी लग रही है? आपने सुबह देखा होगा कि छोटी थी एक्चुअली वो, जैसे दीदी ने टीका वगैरह लगाया ना राखी बांधते हुए मुझे और हिमांशु को, तो वो बिंदी हट गई और बस कोई बिंदी नहीं थी। तो मैंने ये जो रखी थी बड़ी साइज़ की थी वही मैंने लगा ली। तो मैं खाना खा के आपको फिर मिलती हूँ, और दही भले ज़रूर दिखाऊंगी आपको, आपकी भी तरह अड्डा पकनी चाहिए मेरे साथ साथ। मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मैंने मम्मी के घर डायरेक्ट ऑनलाइन भिजवा दिया था सामान, ड्राई फ्रूट्स बिस्किट्स, मतलब मिठाई तो मुझे लगता है आजकल कोई पसंद ही नहीं करता, और हेल्दी भी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने कुकीज और ड्राई फ्रूट्स, ये तो मैंने अपने चाचाओं के लिए रखा है, और ये मेरे कजन्स के लिए हैं, क्योंकि चॉकलेट्स और किसी के लिए कुछ नटी बॉक्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, किसी के लिए चॉकलेट्स एंड उसके अंदर कुकीज़ हैं अगेन, तो इसीलिए ये सब भाइयों का है मेरे। तो ये सब सामान मैंने ऑनलाइन ही भेज दिया था इंस्टेड ऑफ मिठाई। आई थिंक कि इट्स हाई टाइम कि हम मीठा अवॉइड करें और कुछ इस तरह का हेल्दी चीज़ें दें, तो इसलिए मैंने ये सब यहीं मम्मी के यहाँ ही भेज दिया था। अब हम जस्ट वेट करें सब लोग आ जाएं, और सब लोग आ जाएं और राखी स्टार्ट करें। तो मुझे ना एक चीज़ डिस्कस करनी थी, अभी सारे त्यौहार दो दो दिन हो रहे हैं, अभी हमारे तो सबके 30th को ऑफ था, तो 30th को ही सेलिब्रेट होगी। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने राखी कब बनाई है, 30th को बनाई है, 31st को बनाई है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ना, मेरा पर्सनल व्यू है कि जिस दिन भाई बहन प्यार से मिल सके, राखी बांध सके, उसी दिन सब शुभ मुहूर्त हो जाते हैं। एंड ये राखी इज़ नॉट अबाउट मुहूर्त, अगर हम राखी की हिस्ट्री देखें तो इट इज़ मोर अबाउट योर लव, कॉलिंग योर ब्रदर फॉर योर सेफ्टी, एंड ऑफ कोर्स अभी तो वो मैटर नहीं करता है, अभी तो भाई बहन दोनों ही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, बट एक ही बॉन्ड होता है, एक ही एक्सक्यूज़ होता है जब भाई बहन सारे कजन सब इकट्ठे हो जाते हैं, दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई फील। और इतना कन्फ्यूजन, इतना लोग डिस्कशन करी जा रहे हैं आखिर राखी राखी है कब, 30th को है, 31st को है, मैक्सिमम जगह 30th की छुट्टी है, बट काफ़ी सारी जगह 31st की भी छुट्टी है, तो वो भी एक पंगा है। बट मैं तो सबको, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी भाई बहन प्यार से मिल सकें तभी राखी है। और मुझे तो नहीं लगता कि जब पहले के टाइम पे इतना लोगों को पता होता होगा, जैसे मैं सबसे ये कह रही हूँ, और एक बात बताओ, जो जिस दिन की बहुत सारी मैरिड बहनें होती थी, एक दिन तो वो वैसे भी सबके घर नहीं जा सकते थे राखी बंधवाने, तो वो अलग अलग दिन जाते थे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले मुझे याद है जब हम अपने कजन्स को, मासी के बच्चों को राखियाँ भिजवाते थे,
कुरियर उतना अच्छा नहीं था जब हम बहुत छोटे थे, तो हमेशा आगे पीछे ही राखी पहुँचती थी, तो जब पहुँचती थी तभी वो बन देती थी उनके हाथ में। तो इतना वहम नहीं पालना चाहिए, आई थिंक थोड़ा सा फ्री रहो, थोड़ा दिमाग को, लॉजिक को यूज़ करो, और अगर आप कर पा रहे हो, देखो सबके अकॉर्डिंग ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पा रहे हैं तो, पर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपसेट मत हो, सारे प्लान्स मत गड़बड़ करो। भाई बहन जब प्यार से मिले सब चीज़ों के सोल्यूशन निकल जाते हैं, बस प्यार होना चाहिए और करने की चाह होनी चाहिए। दैट वॉज माई टेक, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, बट ये मेरा टेक था, मुझे लगा मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए अपने व्यूअर्स के साथ अबाउट द राखी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 30th को सेलिब्रेट करें या 31st को सेलिब्रेट करें। और ये रहे फेमस, मतलब फेमस इन द सेंस कि मेरी मम्मी के हाथ के टेस्टी टेस्टी दही बल्ले, ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। उप्स, मैंने इनकी टेबल ख़राब कर दी है, बट बहुत सॉफ्ट है, मम्मी ने फ्रीज में रख दिए थे और बहुत टेस्टी हैं। आई एम सॉरी, आप लोग नहीं ट्राई कर सकते ये, मतलब जो लोग मुझे सिर्फ वर्चुअली जानते हैं, जो लोग मुझे डायरेक्टली जानते हैं, प्लीज़ आइए और नेक्स्ट टाइम जब भी मम्मी के घर आओ यहाँ आओ, मम्मी से स्पेशली बोलना दही भल्ले बनाओ। अक्सर बोल सकती हूँ, सबको पता है मम्मी को कितना शौक है खाना बनाने का और सबको खिलाने का, मतलब मुंह में एकदम मेल्ट हो रहे हैं। मोर देन दैट, मुझे एक्चुअली बाहर के दही भल्ले, दिल्ली के तो दही भल्ले फेमस हैं बहुत जगह के, मुझे ना क्या नहीं पसंद, एक तो बहुत मीठा कर देते हैं, दूसरा ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो मम्मी को पता है मुझे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है दही भल्लों के अंदर, तो एकदम प्लेन है और बहुत मीठे मीठे नहीं है। सॉरी, अभी तो आप खा नहीं सकते वाले दही भल्ले, तो ऐसे ही इंजॉय करो। के साथ भी वो ऐसे करते। अच्छा, हमको सिखा रिया है इसको ना, मैं नहलाऊंगी, इसके बाल ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल, अभी इस बार लग रहा है जू ना हो इसमें। नहीं नहीं, तू दुकान से आ रहा है। एक इसकी हाफ पैंट वाला कंटेंट है। राखी का प्रोग्राम तो चल ही रहा था, बट साथ में पीछे से कमेंट्री ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जितने जोक्स आप समझ पाए वेल एंड गुड है, और जो नहीं समझ पाए वो हमारे सीक्रेट्स हैं, नहीं बता सकते। बेटा सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये मेरा चैनल बंद कराएंगे, स्ट्राइक दिलवा दिलवाते। तुमने कहा सबका नोट करो, ऐसे तो नहीं बोला मैंने, ये मक्खन मिर्च लगा लो आप तब आगे। जबकि बात है ना, श्रीनगर घूम रहे थे, वो तो बहुत पुरानी बात होगी, तभी तो तूने उसके बाद ये पूछा बेटा कितनी लड़की आई।
इसकी फोटो लगा पूछो ना कितनी लड़की हो रही है घर बसाता है ये बता मेरे को जरा भाई है रेंट पे घर बसाता है नहीं नहीं लोगों के घर बसाते बसाते लोगों के घर बसाते बसाते ना पसंद कर जाती है लड़कियां मेरे को फिर मैं बोल तो नहीं यार तो कभी उस दिन तो ये कह रहा था कि हमारे पास लड़कियां इसलिए नहीं आती है क्योंकि उन्हें लगता है हम सुंदर हमारी और पहले ही होगी शाहरुख आरती किसी ने देखी थी यही तो कंटेंट है देख राखी के तो 3 साल से ब्लॉग बना रही हूँ मानते हुए राखी पर ये डायलॉग तो कभी कभी आते ना ये नहीं डायलॉग वायलॉग मत डालना कोई मेरा तो पास मैं तो कुछ ज्यादा बोल गया ये तो समय सुन 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 जहाँ जहाँ नाम आएगा ना उसका दोनों एक ही जैसे हैं यार ये बेसिकली ये सारा आइडिया शुभम और हिमांशु का था सारी लाइट्स हमारी हैं और ठीक ठाक है नहीं लगी हैं अच्छी सा खासी चल रही है फिर भी इन दोनों ने बोला कि लाइट बंद करके ज़्यादा लाइट चल रही है सो अभी अब आगे वाली वीडियोज आप लोग देख रहे हैं लाइट्स ऑन होने के बाद कैसी आई वीडियो लेने से पहले ये कोई जगह है ये क्वेश्चन पूछने का भाई वो वाली देख मैंने सही बोला था कि मेरे को मिठाई का डब्बा वापस कर वो वाली खाने बोला मम्मी ने हाँ चाची वाली मिठाई कह रही है खिलाओ अरे ये पूरा डिब्बा ही ले जाओ अब डिब्बा ले जाओ भाई शानू खिला भाई हाँ सही में असर आ रहा है आप ध्यान दे दो बिस्किट और किशमिश दिए गए हैं आपको वही खाओ आप ये बढ़िया हो गए ये चाची खाएंगी